देखिए, पहले तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है और मैं पूरे देशवासी को इसका शुभकामना देता हूँ। निश्चित रूप से माननीय विधायक जी के द्वारा इस समाज को जो भवन दिया गया था, आज इस जयंती के उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन किया गया है। माननीय विधायक जी कुछ निजी कारणों बस यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन जो इस समाज को अपने कुछ कार्यों को लेकर के भवन के बिना जो इंडिया होती थी, उसके लिए भवन माननीय विधायक जी के द्वारा दिया गया है, ताकि समाज को जो भी जरूरत पड़े इस भवन से उनको उपलब्ध कराया जाए। और आज मैं माननीय विधायक जी को बधाई देता हूं कि पिछड़े पंक्ति के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वो अक्सर अग्नि भूमिका में रहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से हम जब से आए हैं, नगर परिषद का जो भी योजना था उसको धरातल में उतारने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करते रहे, और आप देख सकते हैं कि कल भी हमने जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका हमने विजिट किया है, और मात्र बिजली नहीं आने के कारण लोगों को पानी नहीं पहुंच रहा था, लेकिन बिजली का भी काम अंतिम प्रदान पर पहुँच गया है। ट्रांसफार्मर के साथ साथ जो खंभा का काम था वो हो गया है, और निश्चित रूप से जनता को एक सप्ताह के अंदर जो पानी का समस्या था नगर परिषद क्षेत्र में उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही साथ मेरा जो दो और बड़ा प्रोजेक्ट था, नमामि गंगे का जो आपने देखा था, उसका भी टेंडर करीब करीब हो चुका है, और अपने कार्यकाल के अंदर ही हम चाहेंगे कि चाहे नमामि गंगे का कार्य हो या सॉलिड वेस्ट का हो, इस सब चीज़ों को हम लोग धरातल पे अपने कार्यकाल में ही उतारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। गर्मी में क्या निश्चित रूप से पिछले बोर्ड मीटिंग में भी सभी पार्षदों के द्वारा ये बातों को रखा गया था, और बहुत ही जल्द हम लोग उसका टेंडर करके और जितना भी हमारे क्षेत्र में चापाकल खराब है उन सभी को मरम्मती कराने का कार्य तीव्र गति से चले है। कि सबसे बड़ी बात तो ये कि आज इस पावन पर्व पर हम सबके दलितों के मसीहा, संविधान के रचेता, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में जो विधायक जी ने इस शोषित पीढ़ी समाज को जो समर्पित किया इस भवन के नाम पर, अपने निधि से जो बनाया है, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा गौरवान्वित बात है। मैं पूरे समाज की तरफ से, भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ 12-13 के तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत सारी शुभकामना, और ईश्वर से प्रार्थना करता कि वो ऐसे ही अच्छे कार्य करे और जो आखिरी छोर में बैठी हुई समाज को विचारधाराओं से जोड़े और उस समाज के लिए उत्थान के लिए काम करे। और ये समाज से भी कहता हूँ कि ऐसे विधायक और ऐसे जो भी दानदाता है उनका सहयोग प्रदान करते हुए उनके संग कार्य करें, और आप सबको डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ को जो ये समर्पित हुआ है, 12-13 रजिस्ट्रेशन संगठन को ये भवन, जो समाज की सांस्कृतिक सामाजिक कार्य को देने के लिए, तो वो कार्य अच्छे करे, इसका मेंटेनेंस करे और यहाँ पे अच्छे सांस्कृतिक सामाजिक कार्य हो, और साथ ही साथ जो हमारे बच्चियाँ, पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, उनका 7 क्लास कंप्यूटर प्रशिक्षण ये ऐसा भवन के अंदर चलाए, ऐसी मैं उनको आग्रह करता हूँ। विशेषकर संगठन के पदाधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्ष को, यहाँ के जो हमारे शंकर राम हैं, रविंद्र राम हैं, और जो उनके सहयोगी है हमारे रोशन लाल जी हैं, जो भी उनके सहयोगी हैं, मुना कुमार जी के मार्गदर्शन है, सभी लोग के, यानी पुसरों के जितने पदाधिकारी हैं भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ 12-13 के, इन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये संगठन के माध्यम से यहां पे कोई अच्छी गतिविधि चलाए और इसका मेंटेनेंस रखे और समाज में एक अच्छा नया संदेश दे।